कसौटी जिंदगी 2 के नए मिस्टर बजाज चांद की करण पटेल इन दिनों लाइमलाइट में हैं। करण पटेल ने नए मिस्टर बजाज के तौर पर शो के फ्रेश एपिसोड की शूटिंग भी शुरू कर दी है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी पिछले दिनों सामने आई थी। नो डाउट कि करण पटेल बजाज के रूप में काफी डैशिंग दिखाई दे रहे हैं, ठीक वैसे ही ग्रे हेयर्स और चेहरे पर वही बजाज वाला एटीट्यूड। जैसे ही करण का शो से ये लुक सामने आया था, उनके फैंस हैरान रह गए थे और देखते ही देखते तस्वीरें आग की तरह फैल गई थी। अब जब करण पटेल ने कसौटी जिंदगी 2 में करण सिंह ग्रोवर की जगह ली है, ऐसे में शो की ऑडियंस नए बजाज और पुराने बजाज का कंपैरिजन भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन खुद करण पटेल अपने आप को करण सिंह ग्रोवर से कंपेयर किए जाने पर क्या बोलते हैं? जी हाँ, करण पटेल ने अब इस बात का जवाब दिया है। पिंक विलर से बात करते हुए करण पटेल ने बजाज का रोल करने और शो के पुराने कैरेक्टर से कंपेयर करने पर काफी कुछ कहा। करण पटेल ने करण सिंह ग्रोवर से कंपेयर किए जाने पर कहा, कंपैरिजन ना हो तो तकलीफ की बात है, क्योंकि अगर आपको कंपेयर किया जाता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कैरेक्टर से मेल नहीं खाते तो फिर भला कोई कंपेयर क्यों करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर कंपैरिजन नहीं होता तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत है। तुलना का मतलब है कि आप अपना काम अच्छा कर रहे हैं और लोग नोटिस कर रहे हैं। यानी करण पटेल की बातों से साफ है कि वो इस नई चुनौती के लिए तैयार है और नए मिस्टर बजाज का रोल खूब जोश से करेंगे। साथ ही करण को ये भी उम्मीद है कि शो की ऑडियंस पुराने बजाज को भुलाकर उन्हें जल्द ही एक्सेप्ट भी कर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि करण को ये ऑफर आया और उन्होंने फटाक से हाँ कर दी। करण पटेल को ये रोल कैसे मिला वो खुद करण ने बताया। मिस्टर बजाज एक चैलेंजिंग किरदार है और ये तब से लेकर अब तक काफी आइकॉनिक भी है। पहले रोनित रॉय ने किया था, अब करण ने किया है और उसने बहुत अच्छा किया है। इस किरदार के लिए हाँ कहने से पहले मैंने काफी सोचा कि क्या मैं ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा सकता हूँ और इसे जस्टिफाई कर सकता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक दो दिन सोचने के लिए दो। काफी सोचने के बाद मुझे लगा कि हाँ, मैं ये किरदार जरूर करूँगा। वैसे शो से करण सिंह ग्रोवर के जाने के बाद एकता कपूर नए मिस्टर बजाज के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उन्हें एक ऐसे एक्टर की तलाश थी जिसकी फैन फॉलोइंग तो तगड़ी हो ही, साथ ही दमदार एक्टर भी हो, और वो सारी क्वालिटी करण पटेल में है। तभी तो शो के लिए एकता उन्हें मोटी रकम देने के लिए भी राजी हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग करण पटेल को मिस्टर बजाज बनने के लिए हर एपिसोड की फीस के तौर पर 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। खैर, अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि करण पटेल बतौर मिस्टर बजाज कौन सी नई छाप छोड़ते हैं। वैसे आप करण पटेल पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।